आज दर्शाया जाएगा कि कैसे 5 वर्ष के एक नन्हे से बालक ध्रुव ने, जो जन्मा तो राजकुल में था परंतु अपनी माता की सुंदर सूझबूझ से प्रेरित हो अपने दृढ़ संकल्प द्वारा भगवान नारायण को प्रसन्न कर उनसे उत्तम वर की प्राप्ति की, जिसके फलस्वरूप पूरा विश्व आज भी उन्हें उनके दृढ़ निश्चय के लिए याद करता है। चलिए देखते हैं। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। प्रिय रानी का नाम था सुरुचि और अप्रिय रानी का नाम था सुमति। दोनों रानियों को एक एक पुत्र था। एक बार रानी सुमति का पुत्र ध्रुव खेलता खेलता अपने पिता की गोद में बैठ गया। प्रिय रानी ने तुरंत ही उसे पिता की गोद से नीचे उतार कर कहा, हे नादान बालक, पिता की गोद में बैठने के लिए पहले मेरी कोख से जन्म ले। ध्रुव रोता रोता अपनी माँ के पास गया और सब बात माँ से कही। माँ ने ध्रुव को समझाया, बेटा ध्रुव, यह राजगद्दी तो नश्वर है परंतु तू तो भगवान का दर्शन करके शाश्वत गद्दी प्राप्त कर। ध्रुव को माँ की सीख बहुत अच्छी लगी और तुरंत ही दृढ़ निश्चय करके तप करने के लिए जंगल में चला गया। रास्ते में हिंसक पशु मिले, फिर भी वो भयभीत नहीं हुआ। इतने में उसे देवर्षि नारद मिले। ऐसे घनघोर जंगल में मात्र 5 वर्ष के बालक को देखकर नारद जी ने यहाँ आने का कारण पूछा। ध्रुव ने घर में हुई सब बातें नारद जी से कही और भगवान को पाने की तीव्र इच्छा प्रकट की। नारद जी ने ध्रुव को समझाया, तू इतना छोटा है और भयानक जंगल में ठंडी गर्मी सहन करके तपस्या नहीं कर सकता, इसलिए तू घर वापस चला जा। परंतु ध्रुव दृढ़ निश्चयी था। उसकी दृढ़ निष्ठा और भगवान को पाने की तीव्र इच्छा देखकर नारद जी ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र देकर आशीर्वाद दिया। बेटा, तू श्रद्धा से इस मंत्र का जप करना, भगवान जरूर तुझ पर प्रसन्न होंगे। ध्रुव तो कठोर तपस्या में लग गया। एक पैर पर खड़े होकर ठंडी गर्मी बरसात सब सहन करते करते नारद जी के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करने लगा। उसकी निर्भयता, दृढ़ता और कठोर तपस्या से भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव से कहा, पुत्र मांग, तुझे क्या चाहिए? मैं तेरी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ हूँ, तुझे जो चाहिए वह मांग ले। ध्रुव भगवान को देखकर आनंद विभोर हो गया। भगवान को प्रणाम करके कहा, हे भगवान, मुझे दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी अटल भक्ति दो। भगवान और अधिक प्रसन्न हो गए और बोले, तथास्तु, मेरी भक्ति के साथ साथ तुझे एक वरदान और भी देता हूँ कि आकाश में एक तारा ध्रुव तारे के नाम से जाना जाएगा और दुनिया तेरे अटल निश्चय के लिए तुझे सदा याद करेगी। आज भी आकाश में हमें ये तारा देखने को मिलता है। ऐसा था बालक ध्रुव, ऐसी थी भक्ति में उसकी दृढ़ निष्ठा। 5 वर्ष के ध्रुव को भगवान मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं मिल सकते? दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निष्ठावान रहा नन्हा बालक ध्रुव। कर तपस्या से प्रसन्न नारायण का बना प्यारा ध्रुव। हम सभी भी निष्ठापूर्वक करेंगे गुरु प्रदत्त मंत्र का जप। कर प्रसन्न अपने गुरुदेव को, बापू के प्यारे बनेंगे सब। और कहेंगे, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, अम्बा की डाली पे फंसी चुनरिया जोगी ने आन छुड़ाई, उनको तो हम दिल दे बैठे उन्हें लगे ना पराए, हे मेरे प्यारे जोगी क्या जादू है तेरे प्यार में।